भाइयों, हो सके तो शादी से पहले दुनिया घूम लें, वरना शादी के बाद तो दुनिया खुद घूम जाती है। भाइयों, जब लड़की देखने जाओ तो उसकी आवाज रेडियो से भी हल्की होती है। शादी के बाद ना जाने कहां से उसमें बुफर लग जाते हैं। भाइयों, नजर मिलाने से दिल का रोग लगे या ना लगे, लेकिन आंखों का रोग जरूर लग सकता है, इसलिए सोच समझ कर नजरें मिलाए। जनहित में जारी। भैया, मर्द हर मुसीबत से निकल सकता है, लेकिन वहां से नहीं निकल सकता जहां पर उसकी बीवी पोचा लगा रही हो। भाइयों, शादी के बाद अगर बीवी मोटी होने लगे और पति टकला, तो समझिए गृहस्थ जीवन अच्छी तरह से चल रहा है। मास्क लगाने का जमाना गया, अब चश्मा लगाने का जमाना आया है। क्यों भाइयों? भाइयों, कभी पहरा था एक दूसरे से मिलने पर, कभी पहरा था एक दूसरे से मिलने पर, अब तो नजरें मिलाना भी पाप हो गया है। आईक्यू का दौर चल रहा है। पगली सुबह से ही चाकू लेकर दौड़ रही है मेरे पीछे। मैंने तो मजाक में कहा था, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। अगर कभी आपको अकेलेपन का एहसास हो तो घर की सभी लाइट्स बंद करके भूत वाली मूवी देखो। कसम से आपको कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होगा, ऐसा लगेगा पीछे कोई खड़ा है। भाइयों, इंद्रदेव की कृपा से इस बार अप्रैल और मई में लू की जगह शीतलहर चलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग छींक कर भी सॉरी बोल देते हैं और कुछ लोग पात कर दूसरों पर इल्जाम लगा देते हैं। कैसी विडंबना है भाई। भाइयों, जब माँ कहे मोबाइल रख दो तो मोबाइल रख देना चाहिए, क्योंकि माँ के कदमों में जन्नत के अलावा चप्पल भी होती है।